हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमबीसीएस टीचर्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ का मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम बना रहे हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमें देखो चैप्टर जो 1 है, चैप्टर 1 में बात हो रही है रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स का टाइप क्या होता है, वो सब इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स को 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, एक होता है रियल नंबर्स और एक होता है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हम इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहां पर हम इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। वी विल स्टडी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो रियल नंबर्स को फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक होता है रेशनल नंबर्स, एक होता है इरेशनल नंबर्स। मोस्टली इस चैप्टर में जो हमारा फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमारा रूट 2, रूट 3, रूट 4, जो आपने नाइन्थ में भी पढ़े होंगे। रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रेशनल नंबर्स को फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होता है इंटीजर नंबर्स और एक होता है फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन बोले तो 2/3, 3/4, दैट इज फ्रैक्शन नंबर। और जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर मीन्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, P upon Q, where Q is not equal to 0। ये आपने 8th में और 9th में definition पढ़ी होगी rational numbers की, कि rational numbers जिस किसी number को हम P upon Q की form में अगर represent कर सकते हैं that is called rational number, और जिसको P upon Q की form में represent नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं irrational numbers। जैसे root 2, root 2 को हम P upon Q की form में represent नहीं कर सकते, इसलिए क्या ये irrational number है। अब रेशनल को फर्दर कैटेगराइज किया गया है 2 कैटेगरी में, फ्रैक्शन होता है और एक इंटीजर। इंटीजर को कैटेगराइज किया गया 3 कैटेगरी में, एक नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर मींस जिसमें जीरो होती है ओनली, और जीरो इंटीजर को होल नंबर में कैटेगरी दी गई है 0 टू इंफिनिटी। पॉजिटिव इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर मीन नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। इसमें क्या होता है आपका, फिर नेचुरल नंबर को फर्दर कैटेगराइज किया गया प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। ये इवन, ऑड और प्राइम कंपोजिट आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसमें आपको ओवरव्यू दे रहा हूं उसका। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर विच नंबर डोंट हैव मोर देन 2 फैक्टर, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। एक तो 1 से फैक्टर, एक होता है उसका 1 फैक्टर होता है और एक उसका सेल्फ फैक्टर होता है, या तो वो सेल्फ से डिविजिबल होता है या 1 से डिविजिबल होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, Which number have more than 2 factor means वो 1 और self के अलावा किसी other number से भी अगर divisible है that is called composite number। Even number, which number is divisible by 2, इस number को हम 2 से अगर divide कर सकते हैं that is called even number। और जो odd number क्या है, जो 2 से divisible ना हो, means जिसके number को 2 से divide नहीं किया जा सकता that is called odd number। तो ये हमारा हो गया प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। इन सब को अगर हम कंबाइन करें तो ये सब आते हैं नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनिटी तक, 1 से लेकर इनफिनिटी तक जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0, जिसमें 0 इंक्लूड हो जाती है दैट इज कॉल्ड होल नंबर, 0 टू इनफिनिटी तक। पॉजिटिव इंटीजर में हमारा ये आ गया 1 से लेकर इनफिनिटी। नेगेटिव माइनस के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। फ्रैक्शन, जो हमारी जो फ्रैक्शन होती है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ये सब अगर इनको एक कंबाइंड ग्रुप बनाया जाए तो इनको बोलेंगे हम रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। ये था हमारा रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर रूट 3, रूट 2, रूट 4, और इन दोनों को अगर कंबाइंड किया जाए तो बनता है हमारा रियल नंबर्स। और इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। रूट 2 को कैसे रियल इरेशनल प्रूफ करना है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, एक नेम है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि प्रोवन कॉन्सेप्ट है, मींस उसको ऑलरेडी प्रूफ किया गया है कि अगर उस कॉन्सेप्ट को अगर आप यूज करो एचसीएफ फाइंड करने में, किसी भी बड़े से बड़े नंबर, लार्जेस्ट नंबर का आप एचसीएफ फाइंड करना चाहोगे और उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा पुट करोगे तो सम फ्यू स्टेप्स में आप लार्ज से लार्ज नंबर का आप एचसीएफ निकाल सकते हो। उसमें आपको देखो एचसीएफ निकालने के हमने जो प्रीवियस जो मेथड पढ़े हैं, एक तो है हमारा फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन करके हम एचसीएफ, एक है हमारा लॉन्ग डिवीजन,
लॉन्ग डिवीजन से भी फैक्टर एस से हम निकाल सकते हैं, एक कॉमन डिवीजन फैक्टर। तो ये तीन मेथड हम क्लास फोर्थ से पढ़ते आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड और कॉमन डिवीजन फैक्टर। तो ये इनके अलावा बट ये कहां पर यूज होते हैं, ये जो छोटी छोटी वैल्यू होती है, जैसे 2 का निकालना है, 5 + 10 का निकालना है, 5 and 10 और 20 का निकालना है, 15 और 12 का निकालना है, इस तरीके से अगर कोई छोटे छोटे नंबर है। बट अगर अब एक नंबर आ जाए 536 और 664, अब इनका निकालो आप फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर करते रहो, पूरा नोटबुक का पूरा पेज बढ़ जाएगा। लॉन्ग डिवीजन से पूरी लंबी कहानी बन जाएगी, कॉमन डिवाइजर से भी बहुत लंबा स्टेप हो जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए एक शॉर्टकट, एक थ्योरम, एक प्रोवन स्टेटमेंट लेके आए, उसका नाम दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा मींस एक प्रोवन स्टेटमेंट, उससे डरने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या है, सिंपल स्टेप्स है बट उसके नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा ये क्या है, क्या बवाल है ये। तो उसके नेम से कंफ्यूज नहीं होना है, नेम से नहीं डरना है आपको, जस्ट उसका स्टेप है, स्टेप में बताने वाला हूं, उसको फॉलो करना है स्टेप्स को, और आप इजीली यू कैन फाइंड द एचसीएफ ऑफ लार्जेस्ट नंबर। इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, इसको आप चार्ट को अपना बनाना चाहे तो नोट डाउन लेना तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका नंबर सिस्टम का चार्ट बना दिया मैंने, इससे ज्यादा नंबर होते नहीं है, इमेजिनरी नंबर मैंने चार्ट बनाया नहीं क्योंकि इसका हमें यूज नहीं करना है। तो दिस इज द चार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम। अब नाउ वी विल स्टडी यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो लेमा क्या है, लेमा इज ए प्रोवन स्टेटमेंट, लेमा मींस लेमा इज ए प्रोवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एक प्रोवन स्टेटमेंट है लेमा। और वो प्रोवन स्टेटमेंट है क्या, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जो r है हमारी जीरो से या तो इक्वल होगी या बड़ी होगी एंड लेस देन b। ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, प्रोवन स्टेटमेंट। मींस a क्या है यहां पर, अब ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये का यूज करेंगे एचसीएफ के लिए, फॉर एचसीएफ, किसी भी लार्जेस्ट लार्जेस्ट नंबर का एचसीएफ अगर निकालना है, ये जो लेमा है इस लेमा को यूज करो आप कुछ ही सम स्टेप्स में आप उसका एचसीएफ फाइंड कर पाओगे। अब एल्गोरिथम, व्हाट डज इट मीन बाय एल्गोरिथम, एल्गोरिथम मींस सम स्टेप्स व्हिच इज यूज्ड टू प्रूव सम स्टेटमेंट। मींस एल्गोरिथम होता है कि स्टेप बाय स्टेप किसी चीज का सॉल्यूशन, इसमें स्टेप डिफाइंड होते हैं कि अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, और उसका पूरा जो स्टेप्स होते हैं उनका नेमिंग कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो ये स्टेप्स है हमारा, ए यहां पर क्या है, देखो ए यहां पर रहेगा डिवाइडेंड, ठीक है, बी क्या है, बी यहां पर रहेगा हमारा डिवाइजर जिससे डिवाइड करेंगे, क्यू क्यू रहेगा कोशेंट, ठीक है। अब आर, आर क्या है हमारा रिमाइंडर, आर है हमारा रिमाइंडर, डिवाइडेंड डिवाइजर कोशेंट रिमाइंडर, ये चार चीज होती है किसी भी आप कोई भी आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को, कोई भी किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे, यानी कि जैसे 2 से अगर 4 को डिवाइड करना है, 5 को डिवाइड करना है, लेट सपोज 5 को डिवाइड करना है, तो 2 2 या 4 1 यहां पर रिमाइंडर, ये क्या है हमारा डिवाइजर, ये क्या है डिवाइडेड जिसमें डिवाइड हो रहा है, ये क्या है कोशेंट, और ये क्या है रिमाइंडर। यही तो होता है कोई भी डिवीजन अगर हम करते हैं, कोई भी डिवीजन हम फॉलो कैलकुलेशन करते हैं, तो ये चीज चार चीजें होती है, डिवाइजर डिवाइडेड कोशेंट रिमाइंडर, इन्हीं चार चीजों को लेमा में फिट कर दिया है और इसके अकॉर्डिंग एल्गोरिथम बना दी इसकी कि भाई ये स्टेप्स होंगे, आप किसी भी नंबर का एचसीएफ फाइंड करोगे तो इन स्टेप्स को फॉलो करना, इजीली आप एचसीएफ फाइंड कर पाओगे। तो एल्गोरिथम क्या होगी, एल्गोरिथम होगी जब ये स्टेप होगा पहला यहां पर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अब नेक्स्ट जो स्टेप आएगा इसका जो b होगा वो बन जाएगा a, r जो होगा वो बन जाएगा b,
और क्यू यहाँ पर आएगा और प्लस आर फिर से कोई नया आर, क्यू और आर जो होंगे कोशेंट और आर ये तो नए आएंगे, बट बी को बना देंगे हम ए और आर को बना देंगे बी, ये स्टेप फिर से यहाँ पर फॉलो होता रहेगा, ये स्टेप फिर से यहाँ पर फर्दर चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा अंटिल रिमाइंडर will not become zero. जब तक remainder zero नहीं आया था तब तक ये algorithm, Euclid division algorithm के steps हैं, ये follow होते रहेंगे. इन्हीं को follow करते हुए हम SCF निकालेंगे. SCF हम exercise 1.1 जो solve करेंगे तो उसमें मैं आपको SCF निकाल के दिखाऊंगा इन्हीं steps को follow करके. तो ये था overview of Euclid division lemma और Euclid division algorithm के बारे में. इसमें हमने स्टेप फॉलो करने हैं एससीएफ फाइंड करने के लिए. एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे आगे. तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ चैप्टर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 1.1. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.